कर्नाटक चुनाव से पहले हिमाचल से कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनावी नतीजों में 34 वार्डों में से कांग्रेस ने 24 पर जीत दर्ज की। बहुमत के लिए 18 पर जीत की जरूरत थी। वहीं बीजेपी शिमला नगर निगम चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। सीपीआईएम ने 1 वार्ड पर जीत दर्ज की, जबकि नगर निगम शिमला चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इस प्रचंड जीत पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मैं शिमला नगर निगम की जनता, जो कि मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है, उन सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये पहला 10 साल में चुनाव है जो चुनाव चिन्ह पर, पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ा गया है, और 10 साल बाद हम नगर निगम में पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके हम नगर निगम में आए हैं। इतनी सीटें पहली बार हमें नगर निगम के जितने भी चुनाव हुए पहली बार मिली है। मैं शिमला की जनता का और जो हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस आशा के साथ कि जिस प्रकार का विश्वास हमें प्रकट किया है, हमें जनता की सेवा करनी है और हमें शिमला को सुंदर बनाना है। शिमला में जो बिजली के तारों का जाल है उसको कैसे अंडरग्राउंड करना है और स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध करवाना है, इस दृष्टिकोण से मेरी सभी पार्षदों से भी बात हुई। हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे जो हमारे पार्षद है इस दृष्टिकोण से ज्यादा कार्य करेंगे। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव के लिए बीते मंगलवार को करीब 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। हार के बाद हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला नगर निगम चुनाव में मिली हार को स्वीकार किया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि नई बनी हुई प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रभाव नगर निगम चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।